नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2023। पिछली कुछ वीडियोस पर कमेंट आया है कि सर, मॉडिफाई करने के बाद जो है प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। मैंने कमेंट में बोला भी कि रिमेनिंग सबमिशन डिटेल पर जाइए, वहाँ से क्लिक कर आप अपना प्रिंट करिएगा। बट स्टूडेंट का कहना है कि सर, प्रिंट नहीं हो रहा है मॉडिफाई करने के बाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन पर माउस की बटन है और हम इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा को फिल करेंगे। क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड किया है, मोबाइल पर ओटीपी गया है, रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे। प्रोसीड फॉर मॉडिफाई बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जो मॉडिफाई हमें करना था हमने कर लिया है। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं एडिट मॉडिफाई कैसे करना है, तो इसका वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड है, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल है। या तो आप चैनल के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2023 में एडिट मॉडिफाई कैसे करें, ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनानी पड़ रही है कि उस वीडियो पर कमेंट आए हैं कि सर, संशोधन करने के बाद फाइनल प्रिंट जनरेट नहीं हो रहा है, काफ़ी प्रयास कर चुके हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रॉब्लम का समाधान किया जाए। कमेंट में कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर, प्लीज़ वीडियो बना दीजिए। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उनकी जो है, हमने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है और वीडियो बना रहे हैं आपके सामने। तो सिंपली हमने कैप्चा फिल कर लिया है और संशोधन जो करना था वो भी हमने कर लिया है। ठीक है, मेन पॉइंट है फाइनल प्रिंट कैसे निकलेगा। तो देखिए, अब हम यहाँ पर सबमिट करेंगे और ये संशोधन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि प्रिंट को कैसे जनरेट करते हैं एडिट मॉडिफाई करने के बाद। तो मेरे प्रिय कैंडिडेट, आप यहाँ देख सकते हैं कि एडिट मॉडिफाई करने के बाद सक्सेसफुल कन्फर्मेशन ऑफ मॉडिफाइड एप्लीकेशन सबमिशन, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी करेक्शन हो चुका है, प्लीज़ टेक अ प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ऐसा मैसेज आपको भी देखने को मिला होगा। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, और एक यहाँ देख सकते हैं प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन स्लिप। तो स्लिप को भी प्रिंट कर सकते हैं आप। उसके बाद अपना क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, ये बटन दिख रहा है इतना बड़ा सा, बस सिंपली आपको इसी पर तो क्लिक करना है। क्लिक कर दीजिए, प्रिंट आउट आपका डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ ओपन होगा, और उसके बाद उसको क्रोम ब्राउजर में सेव कर लीजिए पीडीएफ में, या जो भी ब्राउजर हो तो वहाँ आपको प्रिंट पीडीएफ सेव करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ से सेव नहीं कर पाए, यहाँ से प्रिंट नहीं कर पाए, तो दूसरा तरीका भी हम आपको बता देंगे, वहाँ से प्रिंट आउट को निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, और जो संशोधन आपने किया है वो वहाँ चेक कर लीजिए प्रिंट आउट में। तो फिलहाल फर्स्ट जो स्टेप है प्रिंट निकालने का एडिट मॉडिफाई करने के बाद, वो सीधा यही है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करते हैं और साथ ही साथ सबमिट हो जाता है, तो साथ ही साथ प्रिंट भी निकल आता है। इनकेस नहीं कर पा रहे, यहाँ से साइट बंद हो गई है, एरर हो गया, नहीं कर पाए, तो दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो पहला तरीका देखिए, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने क्लिक किया है और एक सेकेंड भी नहीं लगा होगा, उसके से 4-5 सेकेंड लगे होंगे मान लीजिए कुल मिलाकर, आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। अब बताइए यहाँ क्या प्रॉब्लम्स है। जैसा कि आप लोग कमेंट लिख रहे थे कि सर, प्रिंट आउट नहीं हो रहा है एडिट मॉडिफाई करने के बाद, क्यों नहीं हो रहा भाई। फर्स्ट स्टेप देखिए, रजिस्ट्रेशन का अपलोड, सिग्नेचर है, फाइल रिमेनिंग है, फी डिपोजिशन, फिनेंट एप्लीकेशन फॉर्म, सारे स्टेप ग्रीन दिख रहे हैं, सब कुछ कम्प्लीट है, प्रिंट आउट, बार कोड, सब कुछ आपके सामने जनरेट है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको? अब मोबाइल से कर रहे होंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ कर लीजिए, और आपके कहने से हमने वीडियो भी बनाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो प्रिंट आइकन बना हुआ है, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से नहीं हो रहा था सीधा कंट्रोल पी कर दीजिए आप, कुल मिलाकर प्रिंट हो जाए, सेव हो जाए, बस
फिर आप निकाल लीजिए बाद में। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये प्रिंट का जो आइकन बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा दे रहे हैं, देखो प्रिंट जनरेट होता है कि नहीं होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने प्रिंट आइकन पर क्लिक किया तो सीधा प्रिंट जो है क्रोम ब्राउजर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें सेव होने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं सेव बटन भी हाईलाइट हो रहा है, सेव फंक्शन तो हमने पहले से कर रखा है इसमें, और यहाँ प्रिंट आपके सामने है, सेव कर लीजिए प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम्स आ रही भाई, हमें तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम्स आ रही होगी, बहुत ही आसानी से सब कुछ हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है, एडिट मॉडिफाई करने के बाद प्रिंट निकालने का इशू ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका समाधान ज़रूर हो जाएगा। अब हम सेकेंड तरीके बताते हैं कि कैसे प्रिंट आउट आपको निकालना है। फर्स्ट स्टेप तो बहुत ही सरल है, सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट करना इतना कठिन नहीं जैसा कि आप लोग बता रहे कमेंट में मुझे। चाहे आपने एडिट मॉडिफाई किया हो या आपने फ्रेश तरीके से फॉर्म को सबमिट किया हो, फर्स्ट स्टेप जो तो आप देख ही लिया होगा, जैसे फर्स्ट स्टेप फ्रेश तरीके से कर रहे हैं तब भी कोई प्रिंट करने में दिक्कत नहीं है, एडिट मॉडिफाई कर रहे हैं सबमिट कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत प्रिंट करने में नहीं है फर्स्ट स्टेप में, जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा। अब दूसरा स्टेप देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, चाहे तो एडिट मॉडिफाई वाला सिस्टम हो या फिर फ्रेश तरीके से हो, रिमेनिंग डिटेल्स सबमिशन या फिर फीस पेमेंट वाली प्रॉब्लम्स हो, सब कुछ समाधान यहीं से हो जाएगा आपका। सिंपली क्लिक करिए यहाँ पर और रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करिए, स्टेट सेलेक्ट करिए, उसके बाद कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आप, कैप्चा फिल करिए, प्रोसीड बटन पर क्लिक करिएगा। देखिए ये स्टेप जो है यहाँ पर आपने अपना डिटेल फिल कर लिया होगा, जैसे ही आपने सबमिट किया होगा तो आपके सामने रजिस्टर्ड मोबाइल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, इनमें से कोई एक फिल कर देंगे, जैसे कि हमने मोबाइल नंबर को फिल किया है, और अब प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर फाइनल प्रिंट आउट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फ्रेश तरीके से किया गया हो या फिर एडिट मॉडिफाई से किया गया हो। बार बार इसलिए रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आई हैं और हमें ऐसा लगा कैंडिडेट वास्तव में परेशान हैं, लेकिन उन्होंने शायद वीडियो को पूरा वॉच नहीं किया होगा और अपना प्रश्न रख दिया कि सर प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से प्रॉब्लम 100% आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, यानी कि सब कुछ क्लियर है इसलिए सबमिट आ रहा है। यदि पेमेंट पेंडिंग होता तो यहाँ पर पेमेंट के लिए लिंक एक्टिवेट होता और आप उसका प्रोसेस करते, आगे जाके इनिशियली ऑलरेडी पेमेंट बताता और वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाता प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन का, वहाँ पर क्लिक करते उसका फिर स्टेप आता, फिर सबमिट करते आपका फॉर्म फाइनल सबमिट सक्सेसफुली प्रिंट आउट के साथ निकल आता। ये भी तरीका फाइनल प्रिंट आउट निकलने का है, यदि आप पेंडिंग एरर फंसा हुआ है, फीस तो सक्सेसफुली कटी है तो आपका इसके माध्यम से हो जाएगा, नहीं तो पिछली वीडियो मैंने डाली है पेमेंट से रिलेटेड, डबल वेरिफिकेशन मोड का डाला है और पूरा प्रोसेस मैंने दो रामबाण ट्रिक ऐसी बताई है पिछली वीडियो में। यदि आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो पेमेंट के साथ साथ फाइनल प्रिंट आउट का भी समाधान और इनवैलिड का जो प्रॉब्लम है समाधान हो जाएगा आपका। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो फाइनल प्रिंट आउट का बेहद जो क्रिटिकल प्रॉब्लम आ रहा था कि एडिट मॉडिफाई के बाद प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं है, पहला स्टेप बता चुके हैं, दूसरा स्टेप आपके सामने है। क्लिक हियर टू प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, सिंपली यहाँ क्लिक करिए, प्रिंट आउट आपका तुरंत जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी स्टेप ग्रीन हैं और प्रिंट का आइकन जनरेट है, यानी कि फिर से हमने आपको दिखा दिया सेकंड स्टेप में कि प्रिंट आउट जनरेट करने में कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही मेरे दोस्तों। बस प्रिंट पर क्लिक करिए, प्रिंट को सेव कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर केवल ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा, प्रिंट पर क्लिक नहीं हो रहा, केवल ग्रीन टिक ही टिक दिख रहे हैं, ऐसा भाई कैसे हो सकता है? यह तो नेटवर्क स्लो है, इंटरनेट वगैरह, यदि आप सिस्टम सही नहीं है, मोबाइल से कर रहे होंगे, लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करिए, अच्छा सा अच्छी सी स्पीड दीजिए नेट की, जैसा हम दिखा रहे हैं वीडियो में सेम टू सेम ऐसा ना हो तो आप कहना, और आपके कहने से वीडियो बनाई गई है फ्रेंड्स और आपको लाइव दो स्टेप भी दिखाए गए हैं। फर्स्ट स्टेप में प्रिंट देख लीजिए कैसे जनरेट हो रहा है और सेकेंड स्टेप में तुरंत प्रिंट जनरेट हो रहा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और तसल्ली से थोड़ा स्टेप को फॉलो कीजिए, वीडियो के माध्यम से समाधान जरूर हो जाएगा, 100% समाधान हो जाएगा दोस्तों, यकीन मानिए प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये अपडेट आपको पसंद आ रही है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो।
इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।